हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2023 की हर सुबह आपकी उम्मीद जगाए, हर दोपहर विश्वास दिलाए, हर शाम खुशियाँ लाएं और हर रात सुकून से भरी हो। जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है देसी भक्ति YouTube चैनल पर। मित्रों, हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि के 2023 के राशिफल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको 100% सत्य बातें बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में 2023 में होने वाली हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कितनी बातें आपके जीवन के लिए सत्य हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपनी राशि वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। राहु आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके फलस्वरूप प्रेम संबंधों के लिए ये समय उचित नहीं है। आपके पार्टनर के साथ व्यर्थ की बातों पर ही मनमुटाव बना रहेगा। आपके बीच गलत फहमियां स्थान लेंगी और अलग होने की भी संभावना रहेगी। मई जून जुलाई के महीनों में आप अत्यधिक तनाव महसूस कर सकते हैं। आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। जो लोग प्रेम विवाह के इच्छुक हैं, उन्हें निराशा का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम विवाह के लिए ये समय उचित नहीं है, अर्थात ये कोशिश कीजिए कि इस समय में आपका रिश्ता भी बचा रहे। प्रेम विवाह में परिवार वाले अड़चन पैदा कर सकते हैं। जून और जुलाई का महीना प्रेम संबंधों के लिए बेहद कष्टकारी रह सकता है। ऐसे समय में आपको विश्वास का दामन थाम के रखना होगा, अपने पार्टनर पर विश्वास करना होगा और व्यर्थ की बहस में उलझना नहीं होगा। मंगल आपके छठवें भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप वर्ष की शुरुआत में ही ऐसे हालात बनेंगे कि आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका से रिश्ता खत्म हो सकता है। आपके बीच तनाव का मुख्य कारण गुस्सा और जल्दबाजी बनेंगे। आपके कड़वे वचन आपके प्रेमी या प्रेमिका को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इस कारण आपके लिए सलाह रहेगी कि व्यर्थ के झगड़ों में मत उलझिए तथा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। 10 मई तक मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इसके चलते जिन विवाहित जोड़ों के बीच मनमुटाव चल रहा है या उनके रिश्ते में कड़वाहट चल रही है, इस अवधि में उनके रिश्ते में सुधार होगा, उनके बीच प्रेम बढ़ेगा। जातक को अपने जीवन साथी से हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता कर सकते हैं। जो जातक प्रेम विवाह की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय बचकर चलना होगा, क्योंकि उनके बीच गलतफहमियां जन्म ले सकते हैं, जिसके चलते उनका रिश्ता टूट सकता है। इस अवधि में प्रेमी प्रेमिका के बीच गाली गलौज की स्थिति भी बन सकती है। आपको संयम का दामन थामना होगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपके मान सम्मान को ठेस भी पहुंच सकती है। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए अति फलदायी रहेगा। ये समय प्रेम को विवाह में परिवर्तित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस अवधि में आपके प्रेम संबंध के बीच आ रही रुकावटों का अंत होगा तथा आप हर्षोल्लास से भरे रहेंगे। जिन जातकों के माता पिता विवाह के लिए नहीं मान रहे हैं, उन्हें इस अवधि में शुभ समाचार मिल सकता है। उनके परिवार वाले उनका सहयोग करेंगे। जो जातक किसी अन्य जाति समुदाय में विवाह करना चाहते हैं, ये समय उनके लिए भी फलदायी रहेगा। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते लगभग प्रत्येक जातक को सकारात्मक प्रभाव ही मिलेंगे। जिन जातकों के जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं है और वो बड़ी शिद्दत से अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अपने ऑफिस से इस कार्य में सफलता मिलने की आशा है। उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उन्हें इस अवधि में अपने लिए योग्य जीवन साथी मिल सकता है। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। आपके बीच गलतफहमियां जन्म लेंगी और इन गलतफहमियों के चलते आप कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे आपका प्रेम संबंध खत्म हो जाएगा। इस अवधि में प्रेमी प्रेमिका में विवाद हो सकता है और यह विवाद कुछ स्तर का हो सकता है। 16 नवंबर से दिसंबर के अंत तक मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते ये समय प्रेम संबंधों के लिए उचित नहीं है। जो जातक विवाह करने के इच्छुक हैं, इस अवधि में विवाह करने से बचें, अन्यथा उनका विवाह टूट सकता है। ये समय विवाह में अड़चनों वाला रह सकता है।